और हरिद्वार के सिडगुल क्षेत्र में एक व्यक्ति को यहाँ पर अपना केवाईसी अपडेट करना महंगा पड़ गया है। ठकुर यहाँ पर उसके खाते से बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 3.5 लाख रुपए साफ कर दिए थे। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने यहाँ पर 2 लाख रुपए वापस दिला दिए। पीड़ित ने यहाँ पर पुलिस को धन्यवाद दिया है और साथ ही पुलिस के मुताबिक यहाँ पर रामेश्वर यादव निवासी सिडकुल ने यहाँ पर अपनी बहन के यहाँ पर शादी के लिए बैंक में खाते में यहाँ पर नकदी को जमा किया था। रामेश्वर के मोबाइल पर अनजान नंबर से यहाँ पर कॉल आया था और आपको बता दें कि यहाँ पर बात करने वाले ने यहाँ पर खुद को बैंक कर्मी बताते हुए केवाईसी के नाम पर खाते से जुड़ी जानकारी ली और इसके बाद खाते से करीब 3.5 लाख रुपए गायब कर दिए थे। और ठगी की जानकारी मिलने पर साइबर सेल के प्रभारी निरीक्षक चंद्र चंद्राकर नाथानी के नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस टीम ने छानबीन की और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हमारे साथ ऑनलाइन उन्होंने कहा था कि आप केवाईसी करवाइए और उस पर पैन कार्ड नंबर वगैरह डालने के लिए। तो जैसे हमने केवाईसी करने के लिए पैन कार्ड नंबर डाला तो उस पर ओटीपी का मैसेज आया। मैसेज जैसे आया वैसे मैंने जैसे उसको ओटीपी डाला तो पैसे 3 बार डाला, तीनों बार कट गए और कटने का इकट्ठे बाद में मैसेज आया। जैसे आया फिर मैंने फ़ोन काट दिया और मैं तुरंत ऑनलाइन संपर्क किया और कस्टमर केयर में फ़ोन किया। उन्होंने फिर मेरा अकाउंट ब्लॉक किया और फिर मैं उसी के तहत जो भी मतलब कार्रवाई करनी थी वो मैंने किया। मैं ये सिडकुल निवासी श्री रामेश्वर यादव जो है इनके साथ एक घटना हुई थी जिसमें इनको केवाईसी अपडेट करने के नाम पे एक लिंक भेजा गया। एक कॉल आया था इनको, उन्होंने लिंक भेजा इनको और उस पर इनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर की गई और उस जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई उसके चलते इनके खाते से लगभग 3,25,000 रुपये इनके खाते से डिफ्रॉड किया गया। तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने जो हमारी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को फॉलो करके उसमें से 2 लाख रुपए जो है इन्हें वापस दिलवाए। और इसके साथ हम बाकी लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि बार बार रिक्वेस्ट और बार बार प्रचार करने के बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर मत कीजिए और किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है इस पर आप 1930 नंबर पर तुरंत इस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो उसमें हम लोग रिकवरी कर सकें।